ओम शांति। आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से संपन्न रहे, आपका मन सदा शांत रहे और आपके मस्तक पर परमात्मा के आशीर्वाद का हाथ सदा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आप सारा दिन बिजी रहते हो ना, और सारा दिन कामकाज करते करते एंड में थक जाते हो। कई बार कहते हैं ना, कितना करो, ये करो, वो करो। सारा दिन आप जो कर रहे हैं अच्छे के लिए ही कर रहे हैं ना, तो फिर एंड ऑफ द डे आपकी एनर्जी कैसे चाहिए? पॉजिटिव, फ्रेश लगना चाहिए, क्योंकि आपने सब कुछ अच्छा किया, अपने लिए किया या दूसरों के लिए किया, तो रिजल्ट तो क्या होनी चाहिए? टोटल एंड ऑफ द डे फ्रेश, खुश, पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर। लेकिन क्या फील करते हैं? थके थके से, एग्जॉस्टेड, टायर्ड। तो इसके लिए क्या करना चाहिए जो मेरा पूरा दिन फ्रेश हो? एंड ऑफ द डे भी मुझे बहुत समाधान मिले। बीच बीच में एक प्रैक्टिस करनी चाहिए मन को शांत करने की। अगर मन सारा दिन कंटिन्यूस काम करता है ना, सोचता है, सारा दिन सोचता है, स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेकर कामकाज करता है, तो थक जाता है। मन थक गया तो शरीर थक गया। उसके बजाय मन को बीच बीच में रेस्ट दे। मन को रेस्ट कैसे देंगे? बीच बीच में अपने आप को स्टॉप करें और जस्ट शांत हो जाइए। शांति से बैठें, सिर्फ शांति से बैठें, कुछ नहीं करो, सिर्फ शांति से बैठो, शांति के कुछ संकल्प करो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति की ऊर्जा से भरपूर हूँ, मैं शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूँ। बस ये सोचे और कुछ नहीं करें। खाली ये सोचने से भी क्या होगा? मन शांत होगा, शांति से सोचेगा, शांति से हर बात को देखेगा, शांति से किसी प्रॉब्लम को सुलझाएगा, तो उसे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर हमारी आदरणीय दादी जानकी जी हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे। लंदन की एक दीदी अपना अनुभव सुनाते हैं, जेमिनी बहन अपना अनुभव सुनाते, उसमें वो कहते हैं, मुझे सारा टाइम भाग दौड़ करनी पड़ती थी, हमेशा दादी जी के पास में आती थी, ये काम है, वो काम है, तो दादी जी कहते थे, अच्छा चलो बैठ जाओ, सब काम छोड़ दो, सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, शांति से कुछ नहीं बोलो। और दादी जी शांति में बड़ी पावरफुल दृष्टि देते थे। और जेमिनी बहन सुनाते, जैसे मैं वो दृष्टि लेती थी, शांत हो जाती थी। और जो बहुत ज्यादा भाग दौड़, उसके अंदर भी मैं अपने आप को बहुत पीसफुल अनुभव करती थी। इसे सब कुछ करना है लेकिन अंदर में मन बड़ा स्थिर है, निश्चिंत है, शांत है, एनर्जी मेरी बनी हुई है, तो सारा दिन फ्रेश हो जाता था। तो शांति में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है। ट्राई करें आज पूरा दिन, घंटे में 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा भूल गए तो चलो 2 घंटे में 1 मिनट, 2 मिनट जस्ट शांति में बैठो
अपने आप के साथ बैठो और सिर्फ थॉट करो, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति से भरपूर हूँ और मुझसे शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है। और देखो तो सही उस शांति की शक्ति का प्रभाव, उसका परिणाम। हैप्पी डे।